मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान किया और कहा कि उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की हो सकती है। निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि 3 मार्च तक प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी होगी। 1 मार्च को मैदानी और पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि 2 और 3 मार्च को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवधीश गुप्ता की रिपोर्ट। के लिए मौसम की बात, 1 तारीख की शाम रात से जो है जो एक्टिविटी है, आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में वो रहेंगी। विशेषकर जो हमारे हिल्स में या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जो है जहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी, उसके साथ साथ भारी बारिश या भारी जो बर्फबारी है वो भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं कहीं पर कल रात को भी जो है वो देखने को मिलेंगी। अन्य जगह बात करें, कल तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है या हेल की एक्टिविटी है वो भी लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में कल जो है कि रात, कल रात और परसों के अर्ली मॉर्निंग में वो देखने को मिलेंगी। जब आप 2 तारीख को जाएंगे तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ेगी, तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश है वो चलने वाली है, दिखने वाली है, और साथ में जो भारी बारिश या बर्फबारी है तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे उन सब में भी रहेगी।